والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى من أعطى لي وليا فقد آذنته بالحرب، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والصلاة على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وبارك وسلم وصل عليه. واجب الاحترام عزیز دوستو، بھائیو اور بزرگوں، ماہ ربیع الثانی نہ دوسرا ہفتہ 1446 ہجری 18 اکتوبر 2024 بروز جمعت المبارک. گزشتہ جمعہ جڑی اج دے خطبے دے اندر آیت کریمہ پڑھی اے، یہ پڑھی ائی، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرامین جو ایک فرمان جڑی اللہ نے ذات کی طرف نسبت حدیث قدسی، وہ بھی الحمدللہ تسا حضرات کے سامنے پڑھا گیا. گزشتہ جمعہ ایک اللہ پاک نے ولی بایزید بسطامی رحمت اللہ علیہ زندگی نے چند گلاں تسا حضرات کے سامنے بیان ہوئی ہیں، اور چند رہ گئی ہیں جڑیاں گزشتہ جمعے عرض کیتیاں گلاں والدین نے حقوق کے متعلق اور بچیاں کی تعلیم کے متعلق اور آپس کے معاملات کے متعلق. آج انشاءاللہ تعالی اللہ پاک چاہا اس نے فضل و کرم اور اس نے توفیق لا چند بقیہ گلاں جڑی انہوں نے زندگی لیئیں الحمدللہ تسا حضرات کے سامنے انشاءاللہ بیان اور سن. قرآن کریم نے جڑی آیت پڑھی ہے سورۃ یونس نے، اس سے اللہ پاک فرمان الا ان اولیاء اللہ فرمایا، خبردار جڑے اللہ پاک نے ولی جڑے اللہ پاک نال جڑے، فرمایا قوم لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ہونا کسی چیز نہ غم اور فکر ہو سی، نہ ہونا کسی چیز نہ خوف ہو سی. مفسرین ایک گل لکھنے کہ خوف جڑا ہونا آئندہ آنے والے وقت نہ ہونا،
और गम जरा होना गुजरे हुए माजी ना होना। फरमाया जरे अल्लाह पाक ने वली उन्हें अल्लाह पाक का राजी कर देता। वली ने माना दोस्त, वो अल्लाह पाक ने दोस्त तो अल्लाह ने करीब हो, अल्लाह पाक उन्हें को राजी हो के अल्लाह पाक उन्हें की एजाज चाहता कि अल्लाह जरे गुजिश्त तो सभी किसी चीज के बारे में गम हो सी वो गम भी अल्लाह दूर कर सी और आइंदा आने वाला जरा खौफ है रोजे कयामत ना कब्र ना हशर ना उसको भी अल्लाह पाक तो सर हिफाजत कर सी। ना एक शर्त अल्लाह पाक लाई कि जरा अल्लाह पाक ना वली हो सी वो वली ने अंदर दो सिफत हो सो। पहली सिफत अल्लज़ीना आमनु कि तो मोमिन हो सी ईमान वाला हो सी। अगर कोई मुसलमान नहीं गैर मुस्लिम है और वली होने ने दावा की तक ही झूठा कि अल्लाह कुरान करीम में शर्त लाइए कि मेरा दोस्त होने वास्ते ईमान शर्त है। और दूसरी चीज फरमाया वो मुत्तकी हो सी अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून कि वो तक्वे वाला हो सी परहेज़गार हो सी अल्लाह पाक ना खौफ उस दिल हो सी अल्लाह पाक ना उस तहल्लक मजबूत हो सी। तो अल्लाह ना वली होने से दो शर्त ईमान और तकवा। और इस गुफ्तगु की वजह तो मेरे इस वास्ते वक्त चाहिए साडा अज न मौजू और मुद्दा का ये दीदे बस्तामी रहमतुल्ला ने जिंदगी ने चंद गल और हजरात के सामने बयान करनी है। और हदीस कुदसी के नबी अलैहि सलाम फरमाया कि इन्नल्लाह तआला की अल्लाह पाक फरमाने मन आदली वली है फरमाया मेरे किसी वली नाल मेरे किसी दोस्त नाल मेरे किसी नेक बंदे नाल तेरा दुश्मनी रखना जरा उसने कीना मोबाइल हसन दिल जरा उसके खिलाफ प्रोपेगेंडे करना उसके खिलाफ प्लान बनाना उसके बारे में बुरा सोचना उसको तकलीफ देने की कोशिश करना उसका मजाक करना तबस्कुर करना अल्लाह पाक आना हदीस कुदसी है अल्लाह ने कहा मन आदरी वलीयन उसका नुकसान केड़ा उसी फकद आज़न्तुहु बिल हर्ब वो अल्लाह पाक नाल जंग वास्ते तैयार हो गए अल्लाह पाक उस नाल जंग कर सी जरा अल्लाह ने किसी नेक बंदे तंग कर सी। और फिर अल्लाह ने जड़ी जंग हो सी याद रखो दो आदमी मुहद्दिसीन लिख लेन जिसने लड़ने तो हर आदमी ने ई तमन्ना होनी है कि मैं अगले ना ज्यादा से ज्यादा नुकसान करा और कीमती चीज का नुकसान करा। जैसे दो मुल्क आपस लड़ने लड़ने के बाद उन दो मुल्क ने ई तमन्ना होनी है कि असी एटमी प्लांट के उत्ते हमला करा इन्होंने जड़े कीमती असासे वो खत्म करा। अल्लाह ना जिसने मैं मेरा बंदा किसी नेक बंदे हाथ पाना उसका तंग करना उसके खिलाफ प्रोपेगेंडा करना मैं रब जिसने उसको खफा हो ना तो फिर मैं उसमें ऐलान जंग करना। कुरान सूद खोर तक अल्लाह पाक ने ऐलान जंग हदीस कुदसी अल्लाह पाक ने वलिया ने गुस्ताखन अल्लाह ने ऐलान जंग और ऐलान जंग में तुसा आका जिसमें कुछ दो आदमी आमने सामने आने अल्लाह की जात तो उच्ची जात ताकतवर जात किसी ने नहीं अल्लाह तो ज्यादा कोई और भी कोई नहीं। जिसने अल्लाह ने नेक बंदे तंग किया ना कि अल्लाह नाराज हो के जिस बंदा जरा तंग करना और अल्लाह उसका की नुकसान देने तो दुनिया ने नुकसान नहीं इसको सब तो कीमती असासा ईमान है। मुहद्दिसीन लिखते इस गल ना डर अंदेशा और खदशा के अल्लाह इस पर ईमान सलब कर गिन सी जरा नेक बंदे ने पिछे वे से। और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने अल्लाह पाक ने नेक बंदे है जिंदगी करैक्टर किरदार है जो उन्होंने गुजारा कई मौके ए भी आए कि उन्होंने कोई अमल किया उस अमल ने उनको ना तंबी हुई है अल्लाह ने इस वलिया तंबी ता हुई है कि ता के आने वाले जड़े इंसान और मुसलमान
अपने आमाल के अंदर ऐसा कोई भी काम न करो कि वो आमाल कबूल होने की बजाय अल्लाह ने हां मरदूद हो वजो। बुद्धिस्ट जुम्मे तो सही गल दसी है कि त्रै गल जड़ी ने कि ज्ञान को मन पहली गल बायदीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने मस्जिद में बैठ के अल्लाह पाक ना कुरान का पढ़ ले कुरान की तिलावत का कर ले और हुक्म ही ने कि तिलावत इस वक्त तुसी करो तो तिलावत खुश इलहानी नाल करो सोने गदाज नाल करो मिठे लहजे करो ताकि तुसा बजाते खुद भी फायदा होवे और जरा आदमी कुरान सुने गुस्सा भी चस आवे और गुस्सा भी कुरान ने बारे पता लगे कि वाकई अल्लाह ने कलाम है। उससे मालिक का आदाब तिलावत नींद के खुशबू ला के बाबू होके बाअदब होकर बहो और तिलावत करने में नीयत खालिसतन अल्लाह ने रजा नहीं होवे कि मैं जड़ी तिलावत में करना इससे मैं अपने रब को अजर कहसा और मेरा रब मां इसका अजर देसी बंदे को मैं कुछ नहीं कहना। जैसे कि अंबिया ने बारे कुरान करीम बारहा मुख्तलिफ मकाम से तस्करा किया कि अंबिया ने जरा अल्लाह पाक ने दीन ने खिदमत आई उसके एंड की हो गया कौमा किया हमने कि भाई असी तुसों कोई अजर कोई मुआवजा नहीं मंगने साडा अजर साडा मुआवजा अल्लाह बोले और अल्लाह ही असा दे सके किसान खलूस से नीयत नीयत खालिस रखना। हदीस बुखारी शरीफ की पहली हदीस इन्नमल आमाल फरमाया आमाल न दारो मदार बिन नियाद नीतर देवे वह इन्नमा लिम्रिम मानवा जे जो तेरी नीयत होसी उसमें बकदर फल मिल सिया। नीयत गल आइए रावे ने एक जेर गल्ला गल पाती तो मैंने करवाया नौशिरवान एक बादशाह गुजरा नौशिरवान आदिल अदल करने आ इस वजह से नाल लकब लग गया आदिल। नौशिरवान बादशाह एक बड़ी सफर च आया और उसने कलमरो और उसने जरा अपना मुल्क आया जितने तक उसकी हुकूमत आई उसने भी सफर ने दौरान एक बाग से उसकी नजर पई है नौशिरवाना बड़ी दाटी त्रह लगी आई प्यास लगी आई और प्यास की हालत ही बाग के अंदर चले गए उत्त वेखन एक बच्ची छोटी गई जड़ी बाग ने रखवाली पर करनी मैं नीतन ही गल पर करना ने नीयत खराब होसी नमाज जाया नीयत खराब होसी तिलावत जाया नीयत खराब होसी जितने आमाल हवा अम मंसूरा जाया कि अजर नहीं मिलो लगा। इस वजह से बारहा में मजलिसा मौके बमौका ही गल दस करे ना अगर जे जनाजा पढ़ना ने नमाज पढ़नी ने तिलावत करनी ने तो खिदमत किसी करनी ने मखलूक पर कोई दावत करना ने खालिसतन अल्लाह नी रजा वासे लगाइयत दिल होनी चाहिए अल्लाह नी रजा नीयत फतूर आ गया सारा काम बिगड़ गया। नौशिरवान बादशाह अंदर दाखिल होया छोटी बच्ची जड़ी बाग ने रखवाली का करनी बादशाह वक्त उस बच्ची आ गया कि बच्ची मां प्यास लगी है अगर पानी मिलवाजे बच्ची पानी आने की बजाय गई है और उस बाग के खूबसूरत जड़े दो त्रे अनार है बूटे तोड़े उन्होंने नचोड़स बादशाह वक्त ने सामने भरे बठुल अनार ने जूस में पेश किया बादशाह हैरान परेशान शशकर वेकुल लगा के इतना बड़ा बाग इना दोवां त्रियां अनारा दे विचों इतना रस ई तां बड़ा कीमती बाग है इस ते टैक्स लाना चाहिदा इस बाग ते टैक्स लाना चाहिदा जेकर साडी हुकूमत दे कोई गरीब दा बच्चा दो चार रुपए कमाना ते तो शहबाज शरीफ हुरा नवाज शरीफ हुरा मोहसिन नकवी हुरा होर को काम ही नहीं इतों जरा बच्चे ने फूड अथॉरिटी वाले आपे सारे काम पलीतरे खाने तो लोगों ने उतरी पे फिर किसी ने दुख पेट्रोल नहीं किसने की पेट्रोल नहीं भाई किसने पीछे दौड़ सो आप ईमानदार बनवाजे बंदे आप ईमानदारी दस सुन आप बेईमानी करने तो नमरी करने मुल्क चटने पाए तो भाई लोगों ने पीछे लगिया लोग किधर सुधर सुन
नीयत अपनी खराब है। बादशाह वक्त ने तो मंजूर हम शबाज शरीफ लोग गद्दारी है रखो आपकी गद्दारी नहीं लोग आके नमाज पढ़ो आप एक भी नहीं पढ़ना ऐसा तो नहीं आपने पहले नेक बनाओ साहबा नेक आए खुलाफा नेक आए आइम्मा नेक आए फिर नेकी नहीं दावत जाओ तो पुकार गार होती थी असर होती उसमें। खैर बादशाह नौशरवान दियत खराब हो गई कितना बड़ा बाप और इतने जरा रेती दो अनार जो रस पर निकलना ही तो कीमती बात टैक्स लाओ जी नीयत फतूर आ गया टैक्स लाने का सोच के थोड़ी देर बाद अनाज बची और अगर प्याला मां मिलवा दिया इस रस ना बची गई है पहले दो अनार ने बिचों एक बटुल पर चुरा त्रिया चुप रस और एक अनार खोया दुआ खोया त्रिया खोया पंच दह खोए रस चपकना खत्म बूटा हुआ जगह हुआ जमीन हुआ फल निमित उतरी बरकत ही मुक गई। खैर बादशाह भी हैरान के पहले दो अनार से बठोर पर आ गया कि और दह अनार न कुछ भी नहीं होया और बच्चियां कुछ नहीं बच्ची भी साय में करामत आई साय में बसीरत आई अल्लाह दिले ना चालना के नूर दिते या नेक बच्ची आई बच्चियां जिस वक्त बादशाह वक्त वो शिरवान पूछना कि बच्ची पहले दो अनारा नाल भर गया बटल और दाना नहीं भरी ना बच्चा बच्ची सिर कले कर क्या नहीं है उसा नहीं पता इधर सामने मेरे बैठी आई बादशाह है उसा नहीं पता कि वजीर आजम ही गवर्नर ही कौन है बच्ची दिल की बसीरत कर आनी है लगना बुजुर्गो इस मुल्क में बादशाह ने नीयत खराब हो गई जिस नाल अल्लाह फल्ला ने बेचो रस जुजो कर देगा तो बादशाह वहां झटका लगा लो शिरवान हालांकि बच्चियां नहीं पता कि बादशाह है अल्लाह उसने दिल में छुपाई गल जबान से हाथ जारी हो गया इसे फरमाया ने जरा मोमिन अला ना इतकू फिरासत मोमिन फरमाया मोमिन की फिरासत को डरो कि अल्लाह ने नूर न रखना साहिब बसीरत जो लोग कौन है अल्लाह उन्होंने हकीकत खोलना मुनकशिफ करना उन्होंने दिल इलहाम होना अल्लाह की तरफ वो गल करने में किसी टाइम असा खुद सोचा देखा तजर्बतन किसी बुजुर्ग की मजलिस बैठे जी गल दिल सोचियां ही गल पूछा पूछने से पहले उन्हें बुजुर्ग जी गल मेंबर से देकर ध्यान कर छी अल्लाह की तरफ नेक लोग होना नेक मुत्तकी लोग तो मैं गल कभी करने नीयत जी इस कभी फजूल आया तलावो तो जरा काम भी जाया और आओ मौजूद है भाई यजीद बस्तानी रहमतुल्लाह का पहला वाक्य मैं त्रे आके त्रे ही बयान कर सकता तिलावत मस्जिद पर करने अल्लाह ने वली नेक और बुजुर्ग और बारसान मुत्तकी तिलावत में दौरान एक आदमी मस्जिद में बढ़ाया इन्ना जिसने पैरे नहीं तापनी आवाज सुनिए सुनने के बाद भाई यजीद बस्तानी रहमतुल्लाह ने अपनी आवाज आप बुलंद किया थोड़ी जी आवाज चाई में तिलावत की सूरत मरियम का पढ़ गया तिलावत मुकम्मल इन्होंने वह अपमान ही नहीं गल मुकई राती सुते ख्वाब ने अंदर बैठने कि जड़ी तिलावत सूरत मरियम ने मैं की है वो सारी अल्लाह पाक जन्नत में अंदर सोने ने पानी का लिख छोड़ी है जिस तरह उन्होंने बिन मुशाफा कुरान सामने रख के मुताला कीते है तिलावत कीती है एक वो खाबन में पर तिलावत करने सूरत मरियम तिलावत करना 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 एक मकाम के पहुंचे कि त्रे चार विचकारों सत्रह जड़िया आई त्रे चार पुराने करीम जड़िया लेना आई बिचो गैब है ही नहीं हैरान और परेशान तिलावत तो मैं पूरी सूरत मरियम नहीं की थी मगर त्रे चार लेना बिचो गैब तेरे पास हो खाब सोचने अचानक खाब दस गया ए बा यजीद बस्तानी जड़ी तिलावत मसीती की बह के साड़ी जात अस की मैं रब से की मेरी रजा वस्त की उस जन्नत सोने ने पानी ना लिख छुड़िया तो जड़ी किसी सुराने से की वो अस खत्म ही कर छुड़िया इसमें अजर नहीं मिल रही
और साढ़े जाने की गल आनी चाहिए। कल एक आदमी जनाजे में बैठे बुजुर्ग अल्लाह बाग जलाकर साढ़े कल बुजुर्ग का इंतकाल हुआ, वो ये गल करके वह कर लिया कि मौलाना साहब तुम बयान जी गल आने सच हो, मैं तो इसे मुझे आवे ना आवे अभी तो हकायक बयान कर ले गल करने कि हम जनाजे भी सारे दिखावे ने हर काम के बच्चे रहा आवे दिखावा और दिखावे आमाल जाए हो मेरे इसी में जुड़े एक वाक्य और बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह का सुना देना क्योंकि उन्होंने जिंदगी का बयान हो गई। बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह जंगल ने बेच चिल्ला कशी पर करने चिल्ला कशी तो मुराद ही नहीं अजकल जिस तरह लोग मैं चिल्ला कटा जंगल चीड़े ला के कपड़े नथे नंद रंग मलंग बैर याद बनाना वली नहीं शैतान न पुत्र शैतान में चेला ऐसा वेखो जितनी दाड़ी बदी है दाड़ी नाल मजाक की समय कराची वेखा अपनी अखियां उस जालम ने बच्चे दाड़ी ने मोती पिरोई मोती मोती दाड़ी दाड़ियां कलो रबड़ चढ़ी वेखी होगी तो सा वाला रबड़ चढ़िया वेखे ने पर वटे वजे मुछा वजिया सिर वजिया पूरे इबलीस ने भरा बने वली भाई वली जरा होना वो हर कम सुन्नत के मुताबिक करना सुन्नत के खिलाफ नहीं करना। अब्दुल रहमान के पास यदि मुस्तानी अहमद एक और मैं जो वाक्य की मां अफरों सुना था सुनियो जरा ये वाक्य सुन गए कि वली उस ने कि जिसने कपड़े टूटे होवन या कपड़े मैले कुचेले होवन या जिसने तले सुख होना जिसने चोला इतने पीछे तो नांगा बाबा कश्मीर के सुख भी नहीं चोला भी नहीं तो लोग उसे रोटियां पर आने खाने पर आने वह जे बाबे तो लंबा डंगा हो जब उस बाबे हर रद्द किया वजह ऐसे अबरीसा को अल्लाह बचावे आज लोग लुटने पर पीर बन के बुजुर्ग बन गई बुजुर्ग नहीं शैतान ने चैलें बुजुर्ग को असी जरा इतबाए सुन्नत जिंदगी गुजार सी उसने खाना पीना रहना सहना चलना फिरना नशिस बरखा सुबह शाम हर एक काम हर एक अमल इतबाए सुन्नत अल्लाह ने महबूब ने नक्श कदम थे इताअत रसूल कुर्सी याद रखियो जरूरी नहीं कि उसको कराम का जाहिर हो ही वली ई विलायत की शर्त नहीं करामत कि भाई करामत जाहिर हुई तो वली भाई अभी जुनेद वो दादी रहमत आपने मुरीद आ किया उनका बुजुर्ग चार साल तो सब बैठे हो गए उनको करामत भी देगी ऐसा का कुछ काम खिलाफ सुन्नत वैका ही खिलाफ शरा वैका ही मैं शरीयत के खिलाफ कोई काम किया सुन्नत के खिलाफ उसका नहीं फरमाया इस तो वही करामत की होती यही करामत ना कि मैं अंदर रसूल ने खुद में टोरना ये तो ही बनी उस जिन्हें पर ना कर हवा तो दे बुजुर्ग किसी यहां वैकी है उठने के साथ दे तले उठने का परिंदे भी समंदर में थे तख्त लाख नमाज पढ़ना ही तो मच्छे भी कर सकती हैं हवा तो उठने का परिंदे ना काम नहीं ये तू मां की दसना जाना जिंदगी की इतबा हो इतबा अल्लाह ने महबूब ना तरीका उसके खिलाफ चल सी अपने आप चीज को करी मदारी जड़े होने शोभदाबाद जड़े होने तो सामने अच्छे ना देखा सतिया की कर छोड़ने ताकत और जो जोर छोड़ा की कुछ ना वली था वली नहीं शैतान हो इस वजह से चाहना कि वली वो होसी जिसमें कम अज कम जिंदगी सुन्नत होसी तेरा तो सिर तक तिबा सुन्नत बिल्कुल डुबे आ उस वली आप बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जंगल है चोर मैं तो साथ गल सुनाई कि लोग सब मुझे इनकी जितने वली है जंगल और भाई जंगल च वेने तनाई मारो मखलूक को दूर होने है जैसे कि कुरान जे वस कुर इस रब्बी का वक्त बदतर इलैय तबतीला लोगों को अलग खड़ा हो के कट के तबतर हम कटना दूर होना तनाई च लेना खुद नबी करीम अलैहिस्सलाम ने बारे हदीस में बुखारी जरी हुई कि नबूवत का ताज नबूवत ना ऐलान करने तो कबल गारे ऐलान ही तनहाई अल्लाह ने अभी वक्त ले आए अल्लाह की बड़ाई मखलूक की गौर करने है फिर जिब्रील गारे हिराज अकल्ले सूरत आंधी सूरत अलग नहीं है पांच आयता और मेरी माँ उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा रजी अल्लाह तआला फरमाने लगे मेरी माँ वो माँ खलबत पसंद है मेरी माँ आयशा सिद्दीका फरमाने लगे रसूला खलबत महबूब आई मोहब्बत आई तनाई कि तनाई जा आदमी गुनाह को बैसी अलग थड़ा धो के रहना
अल्लाह की बनाई कायनात गौर करना, ये चीज नबी अलैहि सलाम ने जिंदगी जाई। तो बुजुर्ग जो असली आए जंगला जिसमें वो नहीं बहने कोचे बांध के शेर से बाद में जाए हरकत ना 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 वली रहने खलवत वासे एक जंगल एक मैसा लोगों को लाद के बायाबान एक बह के गार एक बह के कुतर बह के तनाई अल्लाह नाल ताल्लुक मजबूत करना। बायजीद बस्तानी रहमतुल्लाह भी गए अल्लाह नाल ताल्लुक जोड़िया तस्बीह पढ़ ले जिक्र लगे अचानक एक कुंडी नजर आई। तवज्जो पहला वाक्य सुनाया कि तिलावत की थोड़ी जी गलती हुई है अल्लाह बाप आका तिलावत जड़ी की है किसी वजह वो मेरे यहां कबूल नहीं है। इस वास्ते याद रखो किसी दिखाने से कोई काम नहीं करना। उस्तादी मैं तो पांच वक्त की नमाज पक्की पढ़ना उस्तादी तारी दो जरा बहुत चंगा भाई उस्तादी ऐसे अगर कीते ही अल्लाह ने आ उस्तादी को अजुर के लिए अल्लाह का अजुर नहीं देना। हदीस से चाहना क्या मन कर अल्लाह बाप आदि जी ना बंदे ऐसे अमुन कीते थे ना फलाना खुश होवे फलाना खुश होवे फलाना बंजो उन्ना को अजुर के लो मैं रब को तो सर अजुर नहीं मैं तो शुरका तो पा के हर अमल शिरक किया। इस हदीसी बात भी आना नबी अलैहि सलाम फरमाया जिस रियाद की सदके ने वे नमाज जकात मुशरिक खैर भाई अजीब बस्तानी रहमतुल्लाह अलैहि को बुढ़ी आई कि बेटा इनमें बाजने ना गड्ढा का पा इस गड्ढे अगर तू शेर में फलाने घरे तक मेरे पहुंचाते हुए मैं बुढ़िया ही गड्ढा ज्यादा कपाजा बाजने में चाह नहीं सकनी मैं चाहो नहीं सकती हक बलना अगर किधर मौका मिल वजे कोई बुजुर्ग हस्ती है वटी उम्र ना पीऊ बजावे काके बजावे मामे बजावे अगर उस गरीबे पांच चालीस बिल में होता सी भैया अखिया सारिया शर्मानी सामने बैठने एक आदमी गड्ढा टैपया गड्ढा टैपया और चंद अड़ते ने मेरे मैंने कहा मामला मोटरसाइकिल से आने मोटरसाइकिल अचानक कोई स्पीड भी नहीं तो मैं अभी नहीं स्पीड हो सी सीधे सीधा रेपुन से मोटरसाइकिल पोखर जा गया ओला ने कुदरत अल्लाह मां बचाया मोटरसाइकिल में कल मोटरसाइकिल कुत्ते मेरे पे मेरी टांग गले आ गई बांह गले आ गई और मैं निकल नहीं सकता। अल्लाह बाग जदा खैर देने साढ़े ग्राह में एक दो जवान आ अलहमदुल्ला कितों वेना पहले तो उस लेट की जो लाई अंधेरा से पार अगर नजर भी नहीं आना तो पहले भी एक ही जाते थे तो बंदे नजर नहीं दे है भी अंधेरा है कोई नहीं कौन उसके तो दूर नजर बाईस मोटरसाइकिल में नेट लाई थी जरा कोई बंदा रहता दौड़ी आना खैर आने नाल उसमान नप्पा कड्डा मोटरसाइकिल तो उसका जदा खैर देवे तो अगर किसी की मुश्किल आ गई है कोई पॉइंट है पाइए कोई ऐसी चीज है पाइए उस दल हेल्प करना ही खिदमत खलो के दोनों के नियन इसलिए अगर मैं वाकया सुना तो घंटे लोग उनके ना लोगों के अल्लाह राजी किया निके निके काम से जनत कमाई नहीं और असं देखने किसी ने पंच चालनी पैनी है किसी ने इट देनी पैनी है किसी ने थोड़ी हेल्प करनी पैनी है मेरी मदद भी करो मैं कर सकना अक्षय तने कर की जाना कैसा या कोई गली को बोले यार फलाना कम ही ना आखे और तो माओ भी उन्हें खिदमत नहीं करने काके मामले नहीं करने महल्ले वाले नहीं करने मुफ्ती अजीजुर रहमान साहब उस्मानी रहमतुल्ला ने इंडिया के मदरसा दारुल उलूम जो बंद उसने बड़े मुफ्ती आए बड़े मुफ्ती सुबह जिस वक्त मदरसा वजुलना वजने तो पहले चार पांच जड़े घर लेने में रहने उन्होंने बूहे थपोरो उन्हें आखन भाई मैं मदरसा तो देना तुसा को घरे का सौदा लोड़ तो मान लिख जाओ मैं उस सौदा आन दे सारे वंजुन उस सौदा कहन के अपने मोड़े से लद के मान ले जाए मुफ्ती शफी साहब रहमतुल्लाह ने बुढ़िया बुढ़िया साढ़े गिराइया बरबार खुले से पानी भरने में नहीं है तो सुबह मदरसा वजह से किताबा की खुली पे रखते उन्हें बुढ़िया घरे चुआना डोले चुआना और उन्होंने दुआवा के ना उन्होंने दुआवा ने सत्य अल्लाह सा इज्जत दी और मेरा मुसलमान आई दुआ नहीं लौट कि मैं मालिक किसी ने खिदमत करा किसी काके मामे नहीं तबा यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने बुढ़ी किया था कि पितर मां पांड चुआल मेरा मैं वजनी मेरे को नहीं चाहिए और बुजुर्ग की किया तो बुढ़ी ने जवाब सुनियो पहले वाक्य भी रियात होया कि दिखावा कर सो तो लगा ने हां कबूल नहीं है भाई यदि पस्तानी आका ए मेरी अम्मा अगर तू चाहे तो मैं जंगल में शहरा आवाज देना यानी वो दस के भाई अल्हम्दुलिल्लाह
गल पक्की तारीख लिखी है कि जरा अल्लाह ने हुक्म ने ताबे होवे सी हदीस भी जरा अल्लाह ने हुक्म ने ताबे होवे सी अल्लाह सारी मखलूक उसने ताबे कर सी सारी लोका कुत्ता लड़की करी गई उसताद ये क्यों लड़ी मुंह पाना ही जरा अल्लाह ना तल्लुक है तो कुत्ता तेरे से बिल्ली बड़े सी उछल मार सी या लोका चक पासी तुदा को नाक सी तू अल्लाह ना बन गया सीधा अब्दुल्लाह इब्ने उमर रजी अल्लाह को राज मैंने पहने राज शेर बैठे आज वो शेर ना दिन मसीती ताज में धरना कदो मैं गई आपको वो शेर आया नहीं यकीन करो सारे कमरे लग पे हो तो शेर सच्ची ना वाड़ ही आवे तब उसको दोबारा बनाना पैसी की ख्याल ही बस हो ना कभी शेर वाड़ ही आवेगा आना नहीं शेर खैर असी अल्लाह करे इन कुत्ते को जान छोड़ा दे ना शेर जो गए कितने वहां कुत्ते में सामू छोड़े रोजाना वहां जाके भी कुत्ते में छोड़े कुत्ते की हाल कर ली तब शेर में डर होना कौन जिस वक्त शेर में ना सुनता आदमी डर लगना अब्दुल्ला इब्ने उमर लगी मैंने लोग खलते जी चुप करके समझ के डर के खौफजद हो गए क्या खलते उसी शेर राह से बैठे आते राह नहीं देना हूं साढ़े जो आदमी हो रहा था मशरक रहा कहा जी की समझ में शेरों के बारे की करा वो जो बदीक के ना हो पैसठी के ना हो कंप्यूटर के ना हो करतूत फलाना जब एल जी थ्री या फलाना थ्री या फलाना पी के ना हो जो जो सैतुए शेर आ मार छोड़े अगे जाना मौत पे नहीं ईमान ईमानी कौत पारा को ज्यादा साबन अंदर ईमान मजबूत या अल्लाह का ताल्लुक है ना अब्दुल्ला इब्ने उमर अगर गए तो शहरिया में कने तो रखा ने कने तो रात को चपेट मारी जाने उठा उन्हें लोगों पर तंग करना लोग बहने आने राह एक बैठे आज मतलब नहीं कसम शेर ऐसे दम दबा के बाबा पीछे बोल के नहीं रहता उन्होंने शेर भी मनने के साथ ही टुकड़ी भी नहीं मानी कुकड़िया में अभी डरा जा बनाओ मैं शेर डरा दी जब क्यों ईमानी ताकत नहीं जरा बंदे को डर सी उस अल्लाह डरा रही है जरा खालक को डर दी बंदे अल्लाह डराती उसको मखलूक डर सी अगर सफी ना रजी अल्लाह उतारा जंगल गए जंगल अफ्रीका ने जंगल की आवाज आई में ए जंगल में चीते शेर पगार सब अटू है भेड़ियो मोहम्मद ने गुलाम जंगल जागन फटोफट जंगल खाली करो इतनी टेम तो सब को है इतनी टेम वरना किसी यहां जीना ना छोड़ सा आनंद थोड़ी देर टेम लगी थी जंगल तमाम में तमाम शेर पगार चीते कुत्ते बिल्ले जड़ी चीजें यहां खाली करके खुल गई है अल्लाह का ताल्लुक है ना मखलूक डर नहीं है तो खैर भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह का भाई अम्मा शेर आ सदस शेर नेड़े आ गया अम्मा अन्ना अम्मा इसने उत्ते रख गड्ढा ते आप भी गए तो जूली शेर तुम्हारा घर ला गया तेरा गड्ढा भी पी नहीं तेरी सवारी भी हो गई अम्मा पक्का पक्का बह गई अम्मा की गल आती भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अम्मा उतर भाई के लोग की दस उस आदम मैं अफसा मैं जंगलों में गई हूं नजर तो एक अल्लाह वाला आने पर बड़ा जालों में आ रेकार आ मेरे से कराम तो जालने आ भाई अजीत बस्तानी रहमत लाला का अम्मा एक भला पकड़ाना एक वजह नहीं इस आदम नहीं मेरा पुत्र ई गड्ढा चाह के मेरे घरे तक पहुंचाना तेरा काम नहीं शेरा ना काम नहीं शेर गड्ढे चाने से पैदा भी है जेर जमीन अकोल उन शेरे में और काम में तेरा काम में अकोल मान तू चाहते खाल के जोर के अगर शेरे के जरा शेरे ना काम नहीं करते चाहना और शेरे तो कोई आदमी बोरा रखते हुए तोड़ा रखते हुए मिट्टी रखते मिट्टी में जला रहा तो तोड़ा रखते हुए बोरा रखते हुए या गोए ना रखते हुए या लकड़ियां नहीं नहीं शेरे का काम नहीं शेर इस काम से नहीं ये तो तू जुलम का करना तो दुआ दसना चाहना कि तू बड़ा बुजुर्ग है भाई यजीद बस्तामी रहमतुल्लाह ने माजरत की थी गड्ढा चाया करे तक पूछा मुड़ गया किसी किसी दौर पूछा अल्लाह इलम दुकर मैं और अब्दू जारी गालों में भी सुना सा ना फिर जिस बुजुर्गों की खिदमत कर तो फिर अल्लाह इलम ने बुए तेजे खुलना फिर भाई यजीद बस्तामी तो खुले माऊ की खिदमत माल्याले की खिदमत गिराने की खिदमत गरीबों की खिदमत बुढ़े की खिदमत और बुआ कहते खुल सी वो बुआ मैं सुना था कहते खुलना इलम कहते खुलना दरवाजे कहते खुले
जरा तेजी पर गला करना जी कितों अल्लाह दसना। खैर भाई अजीब बस्तानी रहमतुल्लाह ने आके जी पूछा कि भाई तो ना इलम मिला ई सब कुछ मिला ई इतना मकाम मर्तबा तेरा उस्ताद कौन है, तेरा उस्ताद कौन है, तू किस ने शागिर में ऐसा कहा मेरा उस्ताद वो बुढ़ी औरत आई जिसमां अल्लाह नाल जोड़ दिता मेरे अंदरों जरा किबर आ वो भी खत्म किया मेरे अंदरों आना प्रस्त वो भी मुका के चली गई है मैं उस बुढ़ी अपना उस्ताद बना और किसी ने समझाओ चलो वहां जाओ साढ़ी आदत है और बाबा एक आदमी चंगा चंगा पदस्ता अच्छी जात पदस नहीं अच्छा राह पदस नहीं इससे अपना उस्ताद मान और अगली गाल सुना हो बलदीप बस्तानी रहमत ने कहा बली वो ना जिसकी जिंदगी इत्तेबाए रसूल गुजरनी बलदीप बस्तानी रहमत ने पता लगा कि बहुत दूर अल्लाह वाला अल्लाह वाला और इन्होंने तलब आई कि उन्होंने दीदार करा पहले जो लोग आए ना वो नेक लोगों पे फिरने लाए किसी को मान के दुआ करे और तक कुछ मैं इधर तकरीबन 16 साल गुजार गया आज तक मेरे मुकदिए मां किसी ने आकर उस्ताजी साधे आके कोई दुआ करा करो क्यों को ना पता साधे उस्ताजी दुआ इसकी लगनी नहीं तो नहीं करता वे नहीं ना या उस्ताजी समझ नहीं समझो तो दुआ कराऊंगा नहीं कोई दुआ नहीं इना दुआ नहीं लोड़ पहले लोग दुआ से फिरने बुजुर्गों को नेक बंदे को मानिए उन्होंने पेरेंट देने उन्होंने खिदमत करनी है इस नजरिए से क्या करे दुआ चलेगी तो मेरा बेड़ा पार हो जाए दुआ लगनी भी है हम दुआ मंगनी नहीं हम दुआ पढ़नी दुआ मंगने से पढ़नी बहुत सारा फर्क है एक दुआ मंगनी अल्लाह को एक दुआ पढ़नी हम सारे अभी दुआ तो पढ़ने मंगने नहीं आ मंगने में दुआ कबूल होनी है पढ़ने में कबूल नहीं और दुआ में पढ़ेंगे मंगीनिया नहीं मगीनिया किसान मगीनिया मैं इशारा करना मगीना किसान अल्लाह को मंगना किसान है हजरत अनस रजी अल्लाह ताला अन्हु बारिश नहीं खेतियां बागा बारिश नहीं दौड़े मुसल्ला के दाने नमाज पढ़ी ने हाथ चागे देने ऐसा अल्लाह पाक नाल गल्ला कीतियां ने कि उसी टाइम नगुद नगुद अल्लाह उन्होंने बाग में बारिश कर दी इन्हें मंगना मंगने का काम इन्हें मंगसो तुसी अल्लाह नाल ताल्लुक जुड़िया उसने काम बने सुन ताल्लुक जुड़े नहीं गल दस देने अल्लाह राबिया बसरी रहमतुल्लाह ने और साड़िया मामा भैन घर तुझे आना कि मेरी गला गलत है तेरा को बन के तुम को नमाज तो सुन दो यार एक भी नहीं सुनना मेरे समय गंजो के रहने को नमाज तो सुनो और यार दे तेरे पंजा साल गुजारे छह सात धीरे पुत्र सारे जवान हो गए यार पोतरे पात्रे दोतरे जाते हो गए उन्हें दे दे लगी बंदी तू मां दुआ तो नमाज सुना कुछ अल्लाह में ना के ना एक दुनिया सुनावा यकीनी तौर पर तुझे कह रहे को नमाज पढ़ो पूरी दुआ पूरी नमाज उन्हें तरीके से नहीं आना बच्चा की भी सुनी नहीं बस खाली भी क्या करके था सब उन जाए कि मेरी तीन मुझ बच्चे आ सके यार बस दुआ करो अल्लाह तिया बुजुर्ग जा दे तिया बोलो तिया बोलो तिया बोलो तिया बोलो तिया लगेगा तिया बुजुर्ग जा दे कदे सा नहीं पूछा कि भाई मरना कबूल चुना ना तिया पुत्र से तो आ गया चीड़े धोने से आ गया रोटियां पकाने से आ गया ये लोग भी जाए ना मैार बनाए और बाबा जिंदगी जिंदगी मेरी मां उम्मुल मुमिनीन सैयदा खदीजा कुबरा रजी अल्लाह तआला पहली वही आई पहली वही अल्लाह महबूब को नाजिल हुई कार आए जम्मिलोनी कमल आ खदीजा मेरे से पा लकद खशी तो अला नफसी मां डर पे लगना आए हाय हाय आज नहीं तेरे बनानी हो गया ना आज नहीं उस टाइम भी डॉक्टर अबीब तबीब उस टाइम भी आए अकीम है उस टाइम कलेने पलेने तो उसने डिस्पेंसर पर आई डॉक्टर मेडिकल ना उसी ईद पाइए ना उसको अकीम का है ना मेरी मां ही नहीं आखा कि अल्लाह ने हबीब तुम बीमार हो बुखार चढ़ के ने मैं किसी अकीमा सका ना किसी अकीमा दसो ना 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 जैन में तुम आखा बने जैन अच साड़ी माओ पेड़ो ना मेरे घर आई या किसी ने भी जैन तू मेरे घर आई नहीं पड़े और तुम कार बनो जरिए कद आपको मेरे तो सुन दूंगा भाई मैं डॉक्टर ने टीका लगाना आए हाय मेरी मां उम्मुल मोमिनीन की आखिरी है कल्ला
वल्लाही मा युहदीक अल्लाह अबदा, हर किसी अल्लाह की कसम है अल्लाह तुसा परेशान ना करसी। और अल्लाह रसूल ने सिफता आय हाय हाय कदे साड़ी तुसी कुछ तुसे एक हाथ खड़ा गया करना मेरी थी मेरी तारीफ करनी किसी ने करनी। माशाल्लाह जी मेरा बड़ो चिट्टेवार हो गया, काले है घुमा घुमा तो कहार बनाता चीड़े चिर के देना ही करना वो करना ना ही ना, ना। सारी जिंदगी कुमाने कुमाने देते जुबाने में गलत तो नहीं आके तुम पक् पक रहे तो मैं पता लग रहा देखो इशारा एक बहुत गलत जुबाना जेडे बुढ़े हो गए ना भी चिट्टा कर छड़ा सही तो है ही कुछ का असर भी काम मेरे लगा जी पिछले पार्टी हुई नवी पै नहीं उन्होंने खैर नहीं तो नच नचा नच नचा नच नचा टोल बजा टोल बजा कंजो बना मरो विज्ञान पता लग गया कौन दयूस दयूस है ना विज्ञान पता लग गया दयूस आनंद अरबी जबान में लगे साड़ी जबान में दयूस दला अपनी इनको माना कर दें फिर अभी दयूस उत्पादी कर दला दला विज्ञान पता लग सी कद विह कितना या पुत्रे का करा देते पता लगे सी कौन के कोई बाणी कदे ढोल पे बजना त्रिवुज जला चाहनी है नच गाना लगे तो समझूंगी दयूस ने मरदे एवं बने तू चोलो पाया इस त्रिंतियां वंगा पाओ आखो जाओ ना मरदा पुत्र तेरा ती तेरी बगैर क्या कमाई तेरी ते बदमाशी तेरी त्रिमुख करे तेरे तो बड़े दयूस को असू गलत तो नहीं आना गया कद मैं कर सकता तो नहीं है मैं बाहर नहीं मरत नहीं त्रिंतियां तरबियत नहीं और तरबियत हो ये मेरी माँ मेरी माँ की मैं अली है अल्लाह ने अभी मत सली इन्ना का लकसिलुर रहमा وتحملل كلا وتكسب المعدوم وتقرب الضعيف اي هاي فرمانی اللہ نے حبیب اللہ کو صاحب پریشان نہ کر دی کیوں فرمایا تسی صلہ رحمی کر لیو لوکاں نہ بوجھ کندے تے چانیو لوکاں کو ماں کے کھلانے ہو آنے والے مہمان نہیں مہمان نوازی کرنے ہو اللہ تسی ضایا نہ کر سی ڈاکٹر کو نہ بھیجو اس طبیب کی طرف پیغام آ گیا تے میں تے گل سنا رہے کس نے अल्लाह वाले को वेना चाहन बार यदीद बस्तानू पता लगा एक अल्लाह वाला बहुत दूर रहना वेना चाहिए अल्लाह वाले को मगर अल्लाह वाला हो ईद हो कि पैसे वाला हो वन का की है भाई बकरी है कार कितने में दो ने एक चने काले पीले नीले ऊंचे ये सारी तरी मखलूक मेरे के पहले तो कोई सारे बार बड़े कपड़ा ये ना आ गई रखने लग रहे थे पंडिया नहीं जा रहे हरिपुर वाला पीर फलाने डंगर मोखरा ही डंगर हो डंगर तो डंगर डंगर हों डर मोखरा सावा का छता बाबा और को गए छते बाबे सावा का किधर है हम डंगर मोखर नहीं आना है और जाए नहीं अज हल अल्लाह ने दारा जरा छोड़ सी तो मैं गल नहीं करना बल्कि मैंने उसको तो मार्ग लग गए पता लग गया किसी जगह कोई आदमी आया ना तो सुख होंगे तोड़ा दो थे तुरा ना कर नांगे जो नांगा नांगा जी लेटे आते लोग मैंने तो वाल पड़ पड़ के बदला गाय नाल बनी ही मच्छी नाल बनी ही होटल उत्ते लानी ही फलानी जगह लानी ही गड्डी चलानी मैं ऐसा मैंने कई सफर पर करना जो दुनिया के गड्डी के पीछे दो चप्पल लग गए मैं तो मेरे चप्पल तो गड्डी चल रही थी पता लगा नजर नहीं लगनी मैं तो मेरा बड़ा चपला बनो उस पीछे कदे सारी जिंदगी टक्कर गई गड्डी का या तो ना जाके खड़ी सी चप्पल और अन्नी बेवकूफ जाहिल उदाटपा चप्पल तो बन ले मैं कर आने पर शिड़की दिखी गिरा चुने को उड़े पास आते कितने कटवा पिया कटो ना नजर ही लगू मैं तो बंदो बिचारो तो काला होते रंग मार के खिला नजर है तो लगे और निकोम मैं की बस सुनाने अल्लाह वाले को बताए अल्लाह वाले नहीं पहचान मैं तो सुनी अल्लाह वाले चलो उसी के खिलाफ इस तरह काम ना कर किसी पीर शीर को लड़ना पैना
पहले तहकीक करो ये है भी या नहीं। इस वजह मैं ताकत सुनाना नहीं कि मैं जमगड्ढे के साथ लोग निकले और छुपे को थोड़ा जा अल्लाह भी पैदार शेदार नहीं हूं भी मैं ना कहा मैं आगे कोई पक्का जा आदमी साढ़े ग्राम पीर बनवा जे ना ये सारी गुमराह कौन ने उन्हें मैं तजर्बा किया था तू रोटी खाने चंद लोग भी चंद लोग ने जिन्हें मैं कीता मजबूत वरना मैं गारंटी देना मैं हफ्ते के अंदर पीर काट के आई ना तो पूरे ने दम जरूर कर दी रहेगी पूरे गिराइए गिराइए साढ़े घर है जाना मेरा घर है जाना मेरी खोती है जीन है साड़ी गांव जो भी देंगे साढ़े बच्चा नहीं करना ना आज यो कौन रे यो कौन ने बुजुर्ग आने आओ तो पानी दूध पाओ किसी आको ही तेरे मुरीद ने जाकर घर दो नंबरी नहीं इजाकत दो नंबरी के दौरान ये सुबह शाम तेरे को रोटियां खाने ना उस्ताद जी अपने पीछे दो देखो कोई ना लो इजाकत नहीं हो चक्कर नहीं अपने चक्कर नहीं अपने चक्कर है अगर तू कह दे आजमासी है तो ऐसे बोल रहे क्यों रात ही मरीदा से लगाओ जी आओ आओ मां मनियो जान हाजिर जी खून दे सारी बोटियां ला दे जी इतनी मोहब्बत मगर क्या आकर बोटियां नहीं लौट जान भी नहीं लौट इतना ज्यादा तुझे तो बोझ भी नहीं पाना एक हल्का का काम नहीं घर आज गायें हैं आज मेरे कार है मछियां हैं जी बकरियां हैं जी जिसमें कार नहीं ऐसे करो अद्धा अद्धा पा दुध आने के इस होश में बेच पाई हो लो चार दीवारी की बनाई में होश ना साड़ी जमाना टान आने पर टान की चार की थी होश होश में थोड़ा थोड़ा पेट पाई हो सा पाओ आज मरीज है सारे रोटी खाओ दो नंबरी फराड़िए उन्हों वेखा खा 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 अल्लाह आजी रियाज भी पासी दुध मुजाहिद भी पासी दुध जरूर खान भाई भी पासी दुध अशुद्धता जी पासी दुध ते कदे गरीब लिवाज उत्ता जी पानी पासी होता ना पता लगती चाहो भाई पानी पा गरीब लिवाज उत्ता जी भी पानी जरूर खान भाई भी पानी सारे पानी पा 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 सुबह पीर साहब आते बैठना और पानी लग पा रहा इलाको में आता नहीं है ये ढोल में तो गाना तो रोटी खाने आदि को कुछ मुसलमान मां पता लगा इस महल ने ए जी मुसलमान दी जिन आपने बच्चा डका इन्होंने कार ना बसो शैतान ने इना ढोल बजा के मसीदी को लगा मैं ना काश मेरे को मां ही आई है इना सारे शैताना पता लग गया इना सारे शैताना पता आज शादी आज ही सत्तर अफसर साहब ने पुत्र भी है तरंगजेब भाई ने पुत्र भी आई है ये दो एक ही गिरा के रहने ने ये भी मुसलमान है जो भी मुसलमान है वन का पता कारना हाजी साहब ने भी पुत्र है जान ढोलो ढोलो करे नहीं पहला ना मान नहीं होना सिर तड़े ने गडवे गडवे तुम शैतानो कि तेरा ने उत्ता जी तो सा तो बड़ा बैदर उतना रखा ही है जरा प्यार मामा ने सामने ढोल तो बजा के लोग आना चाहना कि संगी गाना गाना बन जानी आने बैगैर तो किसी बैगैर तो लोग आगे इतने बड़े प्या जावा तो सा शर्म आनी है ऐसा नाल लखो बयान फलां बारी फलां ऑफिस साहब शैतान न चेला इस भी विजा कीता उस भी विजा कीता वन की वक्त उसके पुत्र ने पहली विजा आया तो हल्की छोड़ो बाजा छोड़ो गाना छोड़ो नहीं लगने किस कार विजा लगा तो या विजा हाजी साहब भी करे ना उसने तीन नहीं आई उसके रिश्तेदार नहीं आए इना शर्म नहीं आई पता नहीं इना को पैसा हलाल नहीं आराम खोरा को आराम ना पैसा ढोल की देना ना जिना को हलाल ना पैसा उन्हें ढोल बाजी नहीं करने जिना आराम खोरा को आराम ना पैसा गंदा पैसा पलीत पैसा ओ डानन ओ डानो गाओ खुले टलगी हलाया जी नच के की हो गया स्वाद मिल गई लालू तो सी तो सारे लानती हो जड़े गए रोटी खाने वो भी लानती मेरे नबी फरमाया जिस कार टोल बसी वो चलनी नानक बसी जरा रोटी खाने बैठी वो भी लानती हो सी हया नहीं ना मैं हया हो गया पूरा ज्ञान है तो करे तो फुक करवा रहे सारे थे इन नतीजा होना थे मेरे तुसा की गैरत है ही नहीं तुसा की गैरत हो गया मैं भी हाँ मां भी दावत आई मेरे घरे भी दावत आई मेरी दावत आई मेरे अलहमदुल्ला कर के अगले दस में आते तेरे ना कोई दुश्मनी नहीं अल्लाह रसूल ने जरा याद ना कर सी मैं मोरी उसका कभी भी याद ना कर सकू गैरत नहीं मोरी गैरत हो गया मैं कार में तो थोक करवा ने ऐसे है ना मुसलमान जरा बच्चे आता ना बच्चे ना कहो बिल्कुल मुड़ के ना बैठो नहीं
उन्हें मैं सलूट मारना और दुआ करना अल्लाह ए जे लोग क्यामत में चाड़ो सी ई भी खर्चो तू भी खर्च तू खाली रोटियां से जालिम इंसान अल्लाह रसूल ना फरमाना को चला गया कल क्यामत चाहे फैसला उसी ने तो सा छक के करवाने के मैदान है सिर्फ खड़ाए रहे थी कि अल्लाह रसूल नाल खड़ते हैं या दीन में दुश्मन नाल खड़ते हैं मगर एहसास में रोटी की यकीन करो तारे मैं मिंबर से बैठ रहे मिंबर से बैठे मैं गल कर वैसे भी एक साल में पकाने रोजाना के लोग नॉर्मल पकाने अल्लाह की कुदरत आई नहीं कि जिस तारे ई मामला होया तो रोटी जैसे नहीं खानी मैं तो करा नहीं आता भाई पता लगा ना इस साथ ही फोन किया करीबी मैं कहने वाली भाई पूरा टोल बजाई ने ये रोटी छोटिया सही खैर नहीं गया तो तार सारों पके है सुन अल्लाह बाद ने दाल साग पके अल्लाह ने काम मैं आखो छोड़िए ई रोटी शैताना नहीं कि यकीन करो एजा खाना मेरे तार आया ए टाइम कि मैं तो घरे नहीं बैठ रोया मैं कही वह मेरे रब ने काम ए खाना मैं मामे ने गिराज छोड़ के आया कहा पहुंचा खतरे आया हाँ अल्लाह पीता पंद्रह मिनट बाद अगले बुए ठकोरा तो ताजी बच्चे का खत्म है तुम नहीं आओ बुए ठकोरा पता लगा मामे ने गिरा गए मैं तो ऐसा खाना छोड़ गया उस कार मेरे दो मजमे के दिन ए गई मेरे कार और तारे खाना आए जे तारे पंजे ने कार पंजे टॉप पे हो गया तुम्हें गैरती जब आओ रब खुलासी ने मेरे तुम्हें गैरत नहीं मेरी गैरत खबर नहीं तो मां डर भी नहीं मैं साफ कर रहा तुम्हें घर जाओ तुम रोटी खाया चले वजा करेरिया के जा बन गई आते मतलब थक करो अच लोगों से जब अल्लाह रसूल ना याद नहीं करने मसीती ना याद नहीं या फिर तो यानी मां बहन कुछ मरे तो तुम गैरत करो तो फिर गैरत करके ढोलकी आ करे रुपये बजाओ मसीती इन निकाह पे गैरत तो मसीते पढ़ने फिर मजो निकाह भी होना पढ़ाओ ना जिन्हें लाले आकर ढोलते बजा रहे थे मजो बेघर क्यों ना कुल वजो ना फिर फिर सारे कुछ बुझा हो गए उन्हें फलाना मर गई चंदवालस फिर गैरत करो गैरत में कह दे असा ना ही चला देना ना खो असा निकाह ना आप तेरे नाले आगे टोलकी में जाइया और टोलकी ने आप निकाह पड़ी है फिर निकाह से बुम 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 आई उस ताजी साढ़े में गैरत नहीं ऐसे लोगों ने निकाह पढ़ाने ही सही नहीं जड़े अल्लाह रसूल ने दुश्मनों पूरे गिराए तो लावत तवस्ती है जी असी पर रोना रोने हालात चंगे हालात तो नहीं सब मेहरबानी करके थोड़ी जी गैरत पैदा करो मैं 16 साल तो गैरत करके बैठे अल्लाह रसूल से मेरा किसी कोई नहीं बिगाड़ सकता मेरा रिजुक किसी ने हाथ तक नहीं रिजुक मेरा रब को ले रूंगा इज्जत ना तो देना मेरा रिजुक नहीं किसी रोक सका मैं रोजे क्यामत करके सीना ताड़ के आपसे या अल्लाह या रसूल अल्लाह तेरी तो तेरे अल्लाह तेरी तो तेरे महबूब की मोहब्बत भी तुम्हारे दुश्मनी पा जाएगी मेरे बंदे नहीं सारी आई इन्हें तुम भी गैरत कर भी थोड़ी थोड़ी अल्लाह करे प्याला आवे मैं ना कि साढ़े गिराज तुम्हें रोटी होगी तो ढोलकी बजे पूरा गिरा ऐसा करके ना बजे तो फिर तुम्हारे से तुम बैठो ना तो ढोलकी बजा दे उन्हें पता है कुत्ते वकूफ के मुला जिन्हें बेचारे पा 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 करके बंद कर छुट दी ये सारी साढ़े नाल खास रोटियां बायदीन कुस्तामी रहमतुल्लाह ने गल दिल पास निकल गई कहने पहने एक अल्लाह वाले ना मिलने गए तुसा मैं आखो ना जिक्र खिलाफ शरा काम हो अल्लाह वाला साथ दो कदे कोई कारी साहब है मुफ्ती साहब है पीर साहब है बुजुर्ग साहब है कुछ नहीं नजर आई तो कद ढोल बाजा कुल बाजा कुल बेची आज गाना बजाना पा रोटी से तुलना उस शैतान ना पुत्र तो आख सको हो मोली कारी आफिज नहीं आख सकते हो हां आलम में कोई किरदार है तेरे तो नहीं थोड़ा ही है कि जब से आया मुंह चाह के चला गया भाई रीत बस आमिर अहमदुल्ला ने कहते थे अन्न वाले को दो महीने में वहने से बोले दो आने कितने महीनों का चार पैदल या घोड़े के गए उसने उसने गड़िया थोड़े हुए खैर पहुंचे गए के अल्लाह वाला बैठे सामने लगना अल्लाह वाला एकदम उस खांग आई है कि थोक की तस कि थोक की तस लेने वाले पास लेने के मुंह करके थोक की तस और लेने के मुंह करके थोक करना अल्लाह ने महबूब मना किया खिलाफ शरा खिलाफ सुन्नत जिस वक्त वेखने के है तो अल्लाह वाले लगने पर थोक लेने के मुंह करके किया उसी टाइम के रुपए और किसी आका इतना लंबा सफर कर गया इस आका ही शैतान हो सकना अल्लाह वाला नहीं अगर अल्लाह ना वली हो गया तो कभी भी लेने के मुंह करके थकिया नहीं दो महीने में सफर आया चार नया जाया हो गया मगर खिलाफ शरा किसी का काम करने वेखा तो साढ़े तो गया था क्या वो इधर के आने तो है नहीं आज ही राधा की पता ऐसी हरी मुलाद और रोटी खा गया क्यों आधा वह थक गया है गोटी भी थक कर अपने लम्बा आ गए और बुजुर्ग कदे
खिलाफ इशारा करे सुथरू चोल भी नहीं बोलो मां रोटी खिलाफ तो खावा पीवा मैं थकिया नहीं पानी पीना तो वारा नहीं पीता वापस जिस तारे तेरे अंदर अभी गैरत जाग पाई है इंशाला तू भी अगले बूहे पहुंच के पता लगा कि दो नंबर खान के मेरे वापस आया ना फिर तार बह के रोटी खाने में बहुत बड़ा मजा आती है तो मां तो मैं दिलो खुश होना बच्चे आका सारे उठे थे तो घरेली रो भी गई ना कर रो नहीं शुक्र कर मेरा रब साढ़े को लेकर राजी है ना तो वह कहते मिठे दाए के बह के रोटी में खाने तुम भी गैरत पे तो करो मैं सोने साल तो नहीं करके बैठे छोड़ दो अजे लोगों बाइकाट कर दो साढ़े तिरा नहीं हो सकने जो अल्लाह रसूल ने दुश्मन साढ़ा तिरा हुआ है जो अल्लाह रसूल ने बनी तबा यजीब मुस्तामी रहमत अल्लाह ने त्रै गल आखिरी गल तो मैं आना पा तवज्जो नाल मैं एंड कर सकता गल ना कि बुजुर्गों ने मैं सुनाइया की जी कि रियाकारी नहीं दिखावा आमालिक नहीं जरा किया अमल सामने आ गया खिदमत खलक आवाम नहीं करनी है दो गल हो गई गलत पास नहीं रहना को गलत कर दी अंदर छुपी मुका तो फिर जिस वे खिदमत की लोगों ने माओ ने प्यो ने अल्लाह ने हक दिया जा बंदे ने हक जा तो फिर अल्लाह इलम ने बुहे खोले की खोले और आखिर मैं इंशाला ईमान तुम्हें ताजा करेगा गल सुना सर गल मुक्सी।